मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कलेक्टर कार्यालय के प्रतिलिपि शाखा के बाबू नीरज तिवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सहायक ग्रेड 3 नीरज तिवारी ने खसरे की नकल निकलवाने के एवज में 1700 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिससे जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आवेदक राजा गढ़ेवाल ने बताया कि जमीन के खसरे की नकल निकलवाने के एवज में कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू ने अलग अलग खसरे निकलवाने के लिए कुल 1700 रुपये की मांग की थी, जिससे परेशान होकर आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त में शिकायत की। आवेदक राजा की शिकायत पर जबलपुर लोकायुक्त की निरीक्षक और उनकी पूरी टीम प्रतिलिपि शाखा में पहुंची, जहां पर बाबू को गिरफ्तार किया है। आवेदक राजा गढ़ेवाल है, निवासी तामिया। उनके द्वारा उनका एक प्रकरण चल रहा है जमीनी तामिया न्यायालय में, तो उनके द्वारा नकल के लिए यहाँ पे आवेदन किया गया था प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट में। तो जो संबंधित सहायक ग्रेड 3 नीरज तिवारी है, उनके द्वारा 1700 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। तो शिकायत का सत्यापन उपरांत आज दिनांक को उनको नीरज तिवारी सहायक ग्रेड 3 प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। सर, कितने रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है, क्या डिमांड की गई थी? सर, 1700 रुपये। मैंने रिश्वत, हमारी जमीन ग्राम बिजोरी तहसील तामिया की है, माननीय न्यायालय के समक्ष तामिया में हमारा केस चल रहा है, तो उस केस में हमको 1967-68 से लेके आज तक की कहे नकल निकलवाना था। तो उस कहे नकल निकालने के लिए मैं लगभग कहे 2 महीने से आ रहा हूँ। अलग अलग खसरे के अलग अलग कहे मेरे को निकालना था, परंतु हर खसरे के अलग अलग कहे पैसे ले रहे थे। और अभी क्या हुआ कि सिर्फ कहे 5 नकल के उन्होंने 1700 रुपये की डिमांड की, तो मैंने बोला 1700 रुपये तो कहे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। कहे उन्होंने बोले 1700 रुपये आपको देने ही पड़ेगा, उन्हें तो कहे काम रोक दूंगा, क्योंकि 30 तारीख को मेरी पीएसी है।